हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। एंड आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारा प्यारा सा एक पोएम है जिसका नाम है जिसका टाइटल है माय मदर एट 66। ये जो पोएम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पोएम है। सेंसिटिव पोएम क्या होता है? ऐसा पोएम जो आपको रुला दे या फिर एटलीस्ट इमोशनल कर दे, वैसा पोएम है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा, उसके बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। खत्म करते करते पूरा समझ में आ जाएगा, ओके। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम लोग का मन कर रहा है तो कर दो, कोई फोर्स नहीं है, पर कर दोगे तो अच्छा लगेगा ना यार। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, और सारे चीज़ों का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा अगर मतलब तुम लोग को नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो फिर जाके कमेंट सेक्शन में मेरा सबसे ऊपर में कमेंट होगा, उसमें तुम लोग को मिल जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हमारा जो ये पोएम है ना, इसे हमारी इंडियन पोएट ने लिखा है जिनका नाम है कमला दास। तो ये जो पोएम है ये कैसे स्टार्ट होता है, तो हमारी जो पोएट है ना कमला दास, वो बता रही है वो इस पोएम के माध्यम से क्या शो करना चाहती है। वो अपनी मॉम के प्रति लव और अफेक्शन को शो करना चाहती है, अपनी एजिंग मॉम के प्रति, अपनी बूढ़ी मॉम, जो उनकी मॉम जो है जो बूढ़ी होते जा रही है उनके प्रति। तो ये जो पोएम है ये कुछ ऐसे शुरू हो रहा है कि ये लास्ट फ्राइडे अपनी मॉम के घर से, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर से वापस कोचिंग जा रही थी। ठीक है, तब वो देखती है ना कि उनकी मॉम उनके कार में बगल में बैठी हुई रहती है, और उनकी मॉम का जो मुंह है, माउथ है, वो खुला रहता है, और वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई होती है। मॉम का माउथ खुला हुआ था, यानी कि मुंह खुला हुआ था। फिर वो रिकॉग्नाइज करती है उनके एजिंग फेस को। एजिंग फेस मतलब बूढ़े लोग का फेस कैसे हो जाता है, थोड़ा झुरिया वुरिया आ जाती है ना, उसी टाइप से उनकी मॉम का भी फेस हो गया था। फिर वो ध्यान से देखती है ना, फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम सच में बूढ़ी होते जा रही है। फिर वो अपनी मॉम के लिए लव लव सिंपैथी पेन ये सब फील करने लगती है, और वो रिकॉग्नाइज करती है ना कि उनकी मॉम को अब प्यार और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी मॉम सच में बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। फिर वो जो अपनी मॉम को देख रही थी ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा था ना उनके फेस को देख के जैसे कि किसी डेड बॉडी का फेस, मतलब कोई डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। उन्हें अपनी मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी, समझ लो दुखी महसूस हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। पर हमारी जो पोएट होती है ना, वो इस ग्लूम से बाहर आना चाहती थी। ग्लूम मतलब ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब वो जो सिचुएशन था जो वो अपनी मॉम को देख रही थी, उन्हें जो बहुत बुरा लग रहा था, वो जो बहुत ख़राब वाला सिचुएशन था ना, गंदा वाला सिचुएशन, जब उन्हें अपनी मॉम को देख के बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, वो वाली सिचुएशन से वो बाहर आना चाहती थी। इसलिए वो अपनी खिड़की से, वरना यानी कि कार के विंडो से बाहर देखती है। फिर वो देखती है ना कि वो जो पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ जो होते हैं ना, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि पेड़ दौड़ दौड़ के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली में पेड़ तो पीछे भाग नहीं सकते हैं, तो क्या हो रहा था, कार जब आगे चल रहा था, कार मूव कर रहा था, और जब वो बाहर देख रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पेड़ दौड़ दौड़ के पीछे जा रहे हैं, पर एक्चुअली में क्या हो रहा था, कार मूव कर रहा था। ठीक है, और फिर वो कुछ बच्चों को देखते हैं, जो कि बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, खेल रहे होते हैं, खिलखिला रहे होते हैं। फिर वो नोटिस करती है ना, फिर वो कहती है कि उनकी जो मॉम है ना, वो इस यंग ट्री से और इन यंग बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्री है, क्योंकि उनकी मॉम है वो ओल्ड हो चुकी है, वो बूढ़ी होते जा रही है, वो जल्द ही उन्हें छोड़ के चली जाएगी, पर अपोजिट ये है ना, ये जो ट्रीज़ हैं ये कितने फुर्तीले हैं, ये मतलब एकदम जोश वोश को, मतलब जोश वोश को सिम्बोलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे चीज़ को सिम्बोलाइज़ कर रहे हैं, और वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यंग है, और उनमें एकदम सब कुछ जोश वोश सब भरा हुआ है, और उनकी मॉम अपोजिट है, एकदम मरियल टाइप सी हो गई है। अब जो हमारी पोएट है ना, वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से आगे निकलती है, यानी कि सिक्योरिटी जो चेक होता है जिससे पास करके आगे जाना होता है, वो वहाँ से आगे निकलती है। फिर उनकी मॉम कुछ यार्ड्स दूर खड़ी होती है, बस कुछ ही दूरी पे खड़ी होती है। वो मुड़ के अपनी मॉम की तरफ देखती है, अपनी मॉम के फेस की तरफ देखती है, जो कि बहुत ज़्यादा डल, कलरलेस, बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो ना, बुढ़ापे टाइप से जो एजिंग फेस होता है उसे देखती है। फिर वो अपनी मॉम के फेस को कंपेयर करती है विंटर, लेट विंटर्स मून से। ठीक है, विंटर के टाइम में मून कैसा हो जाता है तुम लोग को पता ही होगा, नहीं पता है ना, मैं बता देता हूँ, मुझे पता था, नहीं पता होगा। तो विंटर के टाइम में क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फॉग होता है, बहुत ही ज़्यादा मिस्ट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, जब विंटर के टाइम में आप एटमोसफेयर को देखोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा धुंधला धुंधला सा होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो मून का लाइट होता है ना, वो ढंग से ज़मीन पे हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। तो मून जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डल दिखता है, लगता है जैसे एकदम मून में लाइट ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा दिखता है। तो फिर वो कंपेयर कर रही है, जो डल मून होता है विंटर्स के टाइम में, वो ऐसा उनकी मॉम का फेस भी हो गया था। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह डल और पेल। हमारी पोएट बताती है ना कि ये सब सिचुएशन को देख के उन्हें अपनी चाइल्डहुड फियर की याद आ जाती है,
जब वो बच्ची थी तब भी उन्हें ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं वो अपनी मॉम से दूर ना हो जाए, क्योंकि उनकी मॉम ही उस टाइम उनकी पूरी ज़िंदगी होती है। एक बच्चे के लिए उनकी उसकी माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो फिर यही वाली फियर जो होती है ना उस टाइम पोएट को भी होती है, क्योंकि उस टाइम उसकी मॉम ही सब कुछ होती है। ठीक है, तो फिर यही फियर उन्हें वापस से महसूस होने लगती है। पता है क्या होता है, हमारा जो अब पोएम एंड हो रहा है यहाँ पे, हमारी पोएट क्या करती है, हमारी पोएट जो होती है ना वो अपनी मॉम की तरफ देख रही होती है, फिर स्माइल करती है और फिर कहती है कि सी यू सून अम्मा। अम्मा तुम्हें पता है मम्मी को कहते हैं, अलग पता नहीं कौन से लैंग्वेज में बट कहते हैं, हिंदी में ही कहते हैं शायद। तो फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती है सी यू सून अम्मा, ठीक है, और फिर वो वहाँ से स्माइल यानी कि स्माइल करती है बस अपनी मॉम को देख के, और फिर वहाँ से चली जाती है। और इस तरह से हमारा जो पोएम रहता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग को पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मतलब पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया या फिर नहीं आया तो वो भी कमेंट करके बता दो। ठीक है, और आ गया तो वो भी बता दो कैसा फील हुआ, एंड सब्सक्राइब किया हो कि नहीं अभी तक ये भी बता देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, और इंस्टा पे फॉलो भी कर देना। बार बार क्यों बोलता हूँ यार मैं, अब मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तू।